हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू चेक मैसेज और नोटिफिकेशन इन गूगल सर्च कंसोल। जैसे कि आपको पता है कि आपकी जब वेबसाइट के ऊपर कोई भी आपको नोटिफिकेशन या कोई मैसेज आता है, वो आपका होता है किसी न किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए या फिर आपकी कोई नई चीज होने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं हम अपने गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं आपको ट्रैक योर साइट मोस्ट पॉपुलर कंटेंट, ये आ रहा है, यानी आपकी सर्च कंसोल की इनसाइट्स के बारे में बता रखा है। अगर आपने हमारी सर्च कंसोल इनसाइट्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी जा करके उस वीडियो को देखें ताकि आपको वेबसाइट के बारे में पता चल सके। साथ के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवरव्यू के अंदर, यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस है, इंडेक्सिंग है, एक्सपीरियंस और एनहांसमेंट है। अगर आपने इस चीज़ की भी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ के साथ गूगल सर्च कंसोल ने कुछ हमारी वेबसाइट के लिए फ्री टूल्स भी दे रखे हैं आपकी वेबसाइट को इजी रैंक करने के लिए, कि किस तरीके से आप उसको इजीली इंडेक्स और क्रॉल करा सकते हैं जिससे आपकी वेबसाइट के ऊपर सभी जो सर्विस पेज हैं वो जल्द से जल्द इंडेक्स और क्रॉल हो सकें। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस के अंदर, परफॉर्मेंस में आप उसकी अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस देखेंगे, कितने क्लिक्स, इंप्रेशन, एवरेज सीटीआर और एवरेज पोजीशन है। और साथ के साथ ये भी देख पाएंगे कि किस किस आपकी क्वेरी के ऊपर आपके जो वेबसाइट के ऊपर इंप्रेशन और क्लिक्स आ रहे हैं। साथ के साथ यहाँ अगर आप पेज सेक्शन के अंदर आएंगे तो आपके कितने पेज इंडेक्स हैं, कितने पेज नॉन इंडेक्स हैं, आप उनको देख पाएंगे। अगर आपके पेज इंडेक्स हैं तो वो किस वजह से इंडेक्स हैं, यहाँ पे किस वजह से नॉन इंडेक्स हैं ये भी देख सकते हैं। आपको अगर आपके कोई पेजेस इंडेक्स नहीं हुए तो उसको किस तरीके से आप इंडेक्स करा सकते हैं। तो इन सभी की जो प्रॉब्लम्स है उनकी वीडियो हमने अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। साथ के साथ आपकी वीडियोस का इनसाइट दे रखा है, साइट मैप किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, सभी चीज़ों की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो हम आते हैं सबसे पहले आप अपनी नोटिफिकेशन, जैसे कि आप यहाँ राइट साइड में आप एक बेल का आइकन देख सकते हैं। बेल के आइकन पर जब आप कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज का साइन आएगा, ये मैसेज भी हो सकता है और साथ के साथ एक नोटिफिकेशन भी। तो सबसे पहले हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ अलग अलग नई चीज़ें दे रखा है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 122 जो लिखा आ रहा है, इसका मतलब होता है कि आपने 122 जो मैसेजेस हैं अभी तक रीड नहीं किए हैं जब से ये आपने लास्ट मैसेज रीड किया था। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी जो मैसेजेस हैं ये अभी तक रीड नहीं किए गए हैं। अगर हम इस पर देखें तो इसमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल टाइप्स आ रहा है, यहाँ पे मैसेज है, यहाँ वेबसाइट है, वेबसाइट के बाद यहाँ पे आपका देख सकते हैं ऑल टाइप्स। ऑल टाइप्स में यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 6-7 चीज़ें दे रखी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग के बारे में टोटल 62 मैसेजेस आ रहे हैं। आप खाली इंडेक्सिंग का आप देखना चाहते हैं तो खाली इंडेक्सिंग पर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो वेबसाइट है वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है और उसमें प्रॉब्लम में भी कई सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिसको आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इश्यूज बता रहा है पेज ऑफ इंडेक्सिंग के अंदर। इश्यू देखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके इंडेक्स पेजेस में आ जाएगा। अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं वो जो मैसेज था वो था 404 के लिए, कि आपके जो पेजेस हैं 404 के पहले ये डाउन हुए, उसके बाद आप फिर से इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसको आप चेक कीजिए। वापस हम इसमें आते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इस पर रिटर्न जाएंगे तो रिटर्न जाने के बाद आप अगर दूसरा मैसेज ओपन करें और दूसरे मैसेज को अपन खोलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डुप्लीकेट विदाउट यूजर सेलेक्टेड के अनुन करें। यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम बात करें पहले तो 354 थे और अभी आपके क्या है 290, यानी आपकी इसकी जो क्वान्टिटी है वो इनकी डिक्रीज होती जा रही है साथ के साथ। अगर हम नेक्स्ट ओपन कर सकते हैं तो नेक्स्ट को हम यहाँ पे बैक करेंगे और यहाँ पे थर्ड ओपन ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इश्यू देखेंगे तो इश्यू में देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं अप एंड डाउन चल रहा है, यहाँ पे आपके जो अभी जो क्रॉलर बचे हैं या 26 बचे हुए हैं और यहाँ पे नीचे आपको इसके URLs दिखा रखे हैं साथ के साथ। वापस से अगर नोटिफिकेशन में आते हैं तो यहाँ पे अगर हम, ये था आपका इंडेक्सिंग के लिए। नेक्स्ट हम ओपन करेंगे, नेक्स्ट ओपन करेंगे कोर वेब वाइटल के ऊपर। कोर वेब वाइटल के ऊपर देख सकते हैं दो आपको मैसेज मिल रहे हैं, एक स्पीड से रिलेटेड है और दूसरा कोर वेब वाइटल के ऊपर। इस पर सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे, पेज के प्रोग्रेस को देखेंगे। कोर वेब वाइटल में देख सकते हैं LCP की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, 4 सेकंड से ज़्यादा है LCP की वैल्यू तो मोबाइल सेक्शन के अंदर, तो इसको आपको चेंज करना होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 213 यानी 213 ऐसे जो पेजेस या URLs हैं जो आपके मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो उसको आपको LCP की मदद से उसको यहाँ पे सॉल्व करना होगा और LCP आपको कम करना होगा ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो इजी तरीके से रैंक हो पाए।
नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं स्पीड के बारे में। अगर स्पीड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड पे आते हैं तो स्पीड में आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपकी क्या स्पीड चल रही है। देख सकते हैं यहाँ पे आपके पुअर URL जो है आपके 213 है। अगर हम बात करें तो ये आपके अप एंड डाउन चलते जा रहे हैं। यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू में भी देख सकते हैं आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें 213 जो आपके पेजेस हैं वो आपके प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कहते हैं इसके कोर वेब वाइटल्स के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है मोबाइल यूजिबिलिटी के बारे में। मोबाइल यूजिबिलिटी के बारे में देख सकते हैं आपके प्रॉब्लम दिखा रखे हैं। इस पर सबसे पहले आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिक्स मोबाइल यूजिबिलिटी पे आएंगे। फिक्स मोबाइल यूजिबिलिटी पे देख सकते हैं टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड, यानी जो इस पेजेस के जो टैक्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट का जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं पहले ही आपका जो पेजेस का साइज था वो काफ़ी ज़्यादा था, उसके बाद इसको इम्प्रूव किया गया, उसके कंटेंट के अंदर उसका साइज इंक्रीज किया। साइज इंक्रीज करने के बाद जो आपका URL की देख सकते हैं कम होते जा रहे हैं और कंटिन्यूस और अभी ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर अगर हम बात करूँ तो टोटल 4 URL आपके बचे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ये URLs का हो गया। URLs में आपको अलग अलग तरीके की अलग अलग चीज़ें मोबाइल मिलेंगी। मोबाइल यूजिबिलिटी में ब्रेड क्रम की बात करें तो ये देख सकते हैं नया ब्रेड क्रम पे स्ट्रक्चर डेटा मिला है। यहाँ पे स्ट्रक्चर डेटा की बात करें तो यहाँ पे ओपन हो रहा है, इसको आप टेक्निकल SEO के अंदर भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा वोकैबुलरी .org स्कीमा डिप्रिसिएटेड हो गया है। यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं इसको ओपन हो कर रहा है धीरे धीरे। ओपन करने के बाद अभी जो डेटा है वो आपका गायब हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा वोकैबुलरी .org स्कीमा डिप्रिसिएटेड ये आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये खत्म हो चुकी है, यानी ये जो प्रॉब्लम है अभी खत्म हो चुकी है ब्रेड कैम्प की। ब्रेड कैम्प के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में देख सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस की जो वैल्यू है यहाँ पे शो कर रही है। परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं अगर मेन सर्च का परफॉर्मेंस देखना चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक करके टोटल देख सकते हैं 62 क्लिक्स हैं, 128 के इंप्रेशन हैं, 23 पेज फर्स्ट इंप्रेशन हैं, 23 ऐसे पेजेस हैं जिसमें पहली बार इंप्रेशन आए हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कंटेंट अचीवमेंट यानी किसने सबसे ज़्यादा आपके क्लिक्स पाए, कितने आपके जो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस किसका अच्छा रहा और क्या आपकी क्या क्या क्वेरी थी जिसके ऊपर आपकी जो वेबसाइट के सबसे ज़्यादा क्लिक्स आए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डेस्कटॉप व्यू, मोबाइल व्यू और टैबलेट व्यू कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पर क्लिक किया है, कौन से कंट्री से किया है, किस किस तरीके से किया है, वेब से किया, इमेज से किया या वीडियो से किया। तो ये आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद भी आपको वही चीज़ ओपन करके शो करेगा कि आपका परफॉर्मेंस का जो रिपोर्ट है वो क्या चीज़ है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट का कुछ भी अपना नोटिफिकेशन सेक्शन के अंदर आकर के देख सकते हैं। मैं इसको वापस से रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न करने के बाद नेक्स्ट ओपन करता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट ओपन करता हूँ तो नेक्स्ट ओपन परफॉर्मेंस के बाद आपका जनरल है। जनरल के अंदर आप देखें तो यहाँ पे आपका हेल्पफुल कंटेंट के बारे में पूछ रहा है कि हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इस पर यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद यहाँ आपका ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट का जो है इनसाइट्स देख पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, ये था आपका जनरल के अंदर। अगर हम मैं बात करूँ दूसरी चीज़ की तो कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे मैं नई वेबसाइट पे लेके चलता हूँ आपको। मैं आ गया हूँ दूसरी वेबसाइट के ऊपर। दूसरी वेबसाइट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक एसोसिएशन का ऑप्शन आ रहा है। एसोसिएशन का ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपकी जो गूगल एनालिटिक्स है वो आपकी कनेक्ट हो चुकी है आपकी वेबसाइट के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं गूगल एनालिटिक्स का जो डेटा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो अगर यहाँ पे आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे अगर क्लिक कर लें तो यहाँ पे उसके ऊपर चला जाएगा। तो मॉडिफाई कर देता हूँ। मॉडिफाई सेक्शन के अंदर जा करके यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ये गूगल एनालिटिक्स का जो डेटा है यहाँ पे शो कर रहा है। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका डिसोव लिंक। डिसोव लिंक की बात करें, अगर आपने डिसोव लिंक की वीडियो नहीं देखी है किस तरीके से आपको जो पेजेस हैं जो हार्मफुल पेजेस हैं उसको रिमूव करना है, तो आप अपने वेबसाइट से उन सभी URLs को एक जगह इकट्ठा करके TXT फाइल बनाएंगे और उसके बाद डिसोव के अंदर ऐड कर देंगे। डिसोव लिंक आपका रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसोव का प्रॉब्लम है, यहाँ पे डिसोव लिंक का आपका एडिड है, यहाँ पे नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिसोव लिंक पहले से ही आपका एडिड है। यहाँ पे 5 URL डिसोव किए गए हैं। यहाँ पे आपका देख सकते हैं कौन सी वेबसाइट के लिए। तो इस तरीके से आपका डिसोव लिंक भी यहाँ पे आपका क्रिएटेड है। तो ऐसे आपकी जो अपनी वेबसाइट है उस पर आप अपनी किसी भी वेबसाइट का नोटिफिकेशन इजी तरीके से देख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको ऐड करना यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।